नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ ने टेस्टिंग शुरू कर दी है सर। किसकी शुरू कर दी है? सोल्डर्ड फायर एयर डिफेंस मिसाइल्स की। तो ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये बोलते हैं इतना भयानक काम करने वाला है। ये खास करके बोलते हैं ना माउंटेनियस रीजन के लिए बनाया गया, जैसे लद्दाख और सिक्किम के लिए। तो लद्दाख और सिक्किम के बॉर्डर में आस पास में किसी भी देश का, चाहे चाइना चाहे पाकिस्तान का कोई ड्रोन हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट दिख गया, सीधा भैया कंधे पर रखेंगे, स्ट्राइक करेंगे, स्वाहा, कहानी खत्म, उड़ा देंगे सीधा। ये दोस्तों ये भी बताया जा रहा है ये शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों पे भी काम करेगा। अब इसे क्या कर रहा है डीआरडीओ, उसकी टेस्टिंग कर रहा है। जैसे इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये क्या करेंगे, इंडियन आर्मी को क्या कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पूरा स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है, मेक इन इंडिया के तहत 100% से क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है एकदम स्वदेशी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डीआरडीओ के बारे में। तो जो डीआरडीओ जो डेवलप कर रहा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये भाई साहब क्या करेंगे, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों को दे देंगे। बोले तो दोनों जन यूज करो, जो दिखा उड़ा दो सीधा। अब ये क्या करने वाला है, ये किसको टारगेट करने वाला भाई साहब, ये जो फास्ट मूविंग बोलते हैं जितने भी टारगेट्स हैं, जैसे सपोज दैट मैं ड्रोन की बात कर लूँ या फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लूँ या हेलीकॉप्टर, चाहे वो चाइना का हो चाहे पाकिस्तान का हो, अगर इंडिया के बॉर्डर पे दिख गया तो यहां से ये सर और यहां से ये सर दोनों जन क्या करेंगे, उड़ाने का काम करेंगे, शोल्डर पे रखेंगे, मारेंगे धाड़ धाड़ धाड़, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये बोलते हैं ना दोस्तों, जरा बात कर लेते हैं इनके बारे में कि ये खास बोलते हैं ना किस तरह से काम करने वाले हैं, मतलब कौन से एरिया में काम करने वाले हैं। तो ये बोलते हैं ना जो इंडिजिनियस ट्राइपॉड फायर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, ये खास करके लद्दाख और सिक्किम के लिए बनाया गया है, मतलब स्पेशली वहां के लिए। अब क्या करेंगे, यहां से ये बैठे रहेंगे, यहां से कोई भी टारगेट जाते रहेगा, यहां से मारेंगे सीधा, कहानी खत्म। इसमें एक खास चीज आपको और देखने को मिल रहा होगा, इसमें लॉक ऑन, मतलब इन्होंने मिसाइल मार दिया तो ऐसा नहीं किधर भी जाके पर्वतों पे किधर भी छेद कर देगा, जैसा जैसा हेलीकॉप्टर मूव करेगा, अगर इधर जाएगा तो उसके पीछे जाएगा, हेलीकॉप्टर इधर जाएगा तो उसके पीछे पीछे जाएगा, मतलब पीछे पीछे घूमते रहेगा जब तक हिट नहीं कर देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, जरा इसके बारे में डिटेल जानकारी और प्राप्त करते हैं। तो ये दोस्तों पहले बोलते हैं ना जो शॉर्ट रेंज का जो टारगेटिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है, और आप देख सकते हो कि ये जो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, ये क्या करने वाला है, ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों पे काम करने वाला है। अब भाई साहब इंडियन आर्मी इसमें ज्यादा क्यों प्रोग्रेसिव हो गई थी, इतना ज्यादा इसको बोलते हैं ना बहुत तेजी से बोले ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोक्योरमेंट कर ले, क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना एक थ्रेट हमको देखने को मिल रहा था, एक भयानक थ्रेट आपको देखने को मिल रहा होगा पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर के पास में। तो उसके लिए बोलते हैं ना डीआरडीओ और इंडियन आर्मी चाहती जल्द से जल्द हमारे पास क्या हो जाए, ये शोल्डर फायर मिसाइल्स है वो हमारे पास अधिक मात्रा में हो जाए, क्योंकि उसकी हमारे पास क्या थी, कमी थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाया गया है। तो आई होप सो दोस्तों आप ये पूरा माजरा समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।